हेलो हाय गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमबी न्यूज 27 के इवनिंग बुलेटिन में। कार दुर्घटना में घायल केंद्रीय मंत्री नाइक की हालत स्थिर, गोवा में मुख्यमंत्री ने दिया अपडेट। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए एएपी के सोमनाथ भारती, अगले दो दिनों तक जमानत पर सुनवाई भी नहीं। आज से शुरू होगी कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी, 200 रुपए की होगी एक डोज की कीमत। मुंबई के 3 मरीजों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला, इस पर एंटीबॉडी भी बेअसर, साउथ अफ्रीका में ऐसे ही स्ट्रेन मिले थे। हरियाणा में किसानों के खिलाफ केस दर्ज, दंगा करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का लगा आरोप। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा वैक्सीनेशन में ना आए कोई इफ एंड बट, 4 और कोरोना वैक्सीन आने वाली है। कर्नाटक में सड़क दुर्घटना में घायल हुए केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक, पत्नी और करीबी की हुई मौत। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक को कोविड-19 वैक्सीन की 6 करोड़ से अधिक खुराक का ऑर्डर दिया। मुख्तार अंसारी पर यूपी और पंजाब में ठनी भेजने से इनकार कर बोली पंजाब पुलिस, एससी में देंगे जवाब। बांदा यौन शोषण केस, इंजीनियर ने 70 बच्चों को बनाया अपना शिकार, पत्नी भी देती थी साथ, सीबीआई जांच में खुलासा, पीड़ितों को एचआईवी होने का भी शक। गैस रिसाव में सिलेंडर में लगी आग, आसपास के लोग निकले घरों से बाहर, नूरसराय थाना की फायर वाहन मौके पर मौजूद, अंधना इलाके की घटना। रहुई के जदयू कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का श्राद्ध कर्म में शिरकत करने से पूर्व किया जोरदार अभिनंदन। नालंदा परवलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर भारी मात्रा में गांजा किया बरामद, कारोबारी फरार, गांजे की कीमत 5 लाख। अमेरिका निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। अमेरिका में अब होमलैंड सुरक्षा सचिव चार्ड वुल्फ ने भी दिया इस्तीफा। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग के लिए डेमोक्रेट सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया। दक्षिण अफ्रीका को कोविड-19 वैक्सीन चोरी होने का डर, सीक्रेट जगह पर करेगा स्टोर। ललन सिंह ने किया दावा, भूपेंद्र यादव जिस दिन चाह ले राजद का भाजपा में विलय हो जाएगा। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरण दास के सामने जमकर नारेबाजी, बुलानी पड़ी पुलिस। बिहार में पहले दिन 50 साल से कम उम्र के स्वास्थ्य कर्मियों को ही लगेगा टीका। तेज प्रताप का दावा, बिहार में भाजपा और जेडीयू लड़ रही है, तेजस्वी बनेंगे अगले सीएम। सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का 1 साल में ही हुआ बुरा हाल, सड़कें टूटी, पेड़ पौधे गायब, शिलापट पर धूल का अंबार। आरजेडी की मानव श्रृंखला पर बीजेपी का तंज, नकल करने वाले तेजस्वी यादव को कब आएगी अकल। लॉकडाउन में छिना रोजगार तो आत्मनिर्भर भारत ने दिया सहारा, अब दूसरों को भी काम दे रहे लाल बाबू महतो। कल जेडीयू मुख्यालय पटना के कर्पूरी सभागार में महिला जदयू की बैठक आयोजित हुई। खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एमबी न्यूज 27। धन्यवाद।